मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही हैं। उन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़ मंदिर में डेरा डाल दिया है। वो नई शराब नीति घोषित किए जाने तक मंदिर में ही रहेंगी। हालांकि इस मसले पर उन्होंने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। शराब के मसले पर यू टर्न लेने के बाद भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी। उन्होंने शनिवार शाम से मंदिर में डेरा डाला और बीजेपी संगठन के साथ ही सरकार को घेरा। उमा भारती ने कहा कि 31 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी, उसको यहीं बैठकर मैं सुनूंगी। मुझे लगा कि यह सबसे अच्छी जगह है, यह बहुत सिद्ध स्थान है। 50 साल से ज्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर है और 20 साल से ज्यादा पुराना दुर्गा जी का मंदिर है, और ठीक सामने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ शराब का बहुत बड़ा अहाता है जो आज की शराब नीति का भी उल्लंघन कर रहा है। अब 31 तारीख को केंद्र सरकार की शराब की नीति, मध्य प्रदेश सरकार की शराब की नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी 31 जनवरी को, तो उसको यहीं बैठ करके मैं सुनूंगी। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है, ये बहुत सिद्ध स्थान है। 50 साल से ज़्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर है और करीब 30 साल से ज़्यादा पुराना दुर्गा जी का मंदिर है, और ठीक सामने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ शराब का बहुत बड़ा अहाता है जो आज की शराब नीति का भी उल्लंघन कर रहा है। उमा भारती ने मंदिर परिसर में कहा, कुछ समय पहले तक जब तक हम विपक्ष में थे तब हमने अवैध उत्खनन और शराब नीति का खुलकर विरोध किया। सत्ता में आने के बाद अचानक हम वह बातें भूल गए हैं, अब हमें वह बातें याद करनी पड़ेंगी। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। बीजेपी को बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देंगी क्योंकि शराब में सब बह जाता है, सारी योजनाएं शराब में बह जाती हैं। हमने कांग्रेस के खिलाफ इस मामले में विरोध किया है, हमने उत्खनन और शराब नीति का खुल करके विरोध किया है जब हम अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में आकर के अचानक हमें वो बातें भूल सी गई हैं, अब हमें वो बातें याद करनी पड़ेगी। और इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर मेरे कहने पर नियंत्रित वितरण शराब वितरण प्रणाली लागू हो गई तो मध्य प्रदेश में 2003 का रिकॉर्ड रिपीट हो जाएगा। इतना महिलाएं वोट देंगी, इतना मध्य प्रदेश की नारी शक्ति वोट देगी, क्योंकि शराब में सब बह जाता है। वो लाडली लक्ष्मियां भी सड़क पर नहीं चल पाती, वो जननी सुरक्षा भी सड़क पर नहीं चल पाती, वो आवास कुटीरों के लोग भी सुख से नहीं जी पाते, सारी योजनाएं शराब में बह जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। उमा भारती का मानना है नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली में मध्य प्रदेश ही मॉडल स्टेट बन सकता है। उन्होंने कहा, गैर भाजपाई सरकारों ने भी हमारी सरकार की कई चीजें कॉपी की हैं। वे नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली पर भी हमें कॉपी करेंगे। हमने दिल्ली और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध किया है, तो हम दो मुंह नहीं रख सकते। जो मुंह छत्तीसगढ़ और दिल्ली में होगा वही मुंह मध्य प्रदेश में भी रखना पड़ेगा। मेरा भरोसा टूटा नहीं है, मैं आशान्वित हूँ। शिवराज सिंह से मेरी बहुत रिलैक्स माइंड से बात हुई है, फिर भी मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं थोड़ी सी आशंकित हो गई हूँ। सरकारें हैं वो तो क्या, जो मध्य प्रदेश से संचालित नहीं है उन सरकारों ने भी, जो भाजपा से संचालित नहीं उन सरकारों ने भी हमारी सरकार की कई चीजों की कॉपी की है, तो वो शराब वितरण प्रणाली पे भी हमारी कॉपी करेगी। हमने दिल्ली में इसका विरोध किया है, इस प्रकार की वितरण प्रणाली का, हमने छत्तीसगढ़ में विरोध किया है। तो हम दो मुंह तो नहीं रख सकते ना, एक ही मुंह होगा हमारा, वही मुंह छत्तीसगढ़ में होगा, वही मुंह दिल्ली में होगा, वही मुंह मध्य प्रदेश में होगा। मैं अभी बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ, मेरा भरोसा बिल्कुल टूटा नहीं है। मेरी शिवराज जी की जो बातचीत हुई वो बहुत सम्मान और आनंद और बहुत ही रिलैक्स माइंड में हुई है, मुझे पूरा का पूरा यकीन है। लेकिन फिर भी क्या कहूँ, मेरा दिल ही ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आशंकित सी हो गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ हनुमान जी और दुर्गा जी की शरण में आकर के बैठ गई। उमा ने शराबबंदी की अपनी पुरानी मांग पर यू टर्न लेते हुए कहा, मैंने कभी भी शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा है, मैंने ये कहा था कि मेरा बस चलेगा तो मैं रोक लगा दूंगी। मेरा विश्वास यही है कि शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात को मैं मनवा सकती हूँ, मैं एक चीज बनवा सकती हूँ कि शराब वितरण प्रणाली के ऊपर नियंत्रण हो जाए, इस बात पर मैंने भरोसा भी किया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में, आप देख रहे हैं दखल न्यूज।